आजकल आप क्या डिस्क्राइब अ वेबसाइट यू लाइक टू विजिट? अपनी किसी ऐसी वेबसाइट जो आपकी फेवरेट हो या आपको उसकी जरूरत बार बार पड़ती हो, आप उसको फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहते हैं, तो उसके बारे में आपने बताना है. व्हेन यू फाउंड इट, व्हाट इट इज अबाउट एंड हाउ ऑफन यू विजिट इट, व्हाई यू लाइक दिस वेबसाइट. सो ऐसे किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे वो देखते हैं. I hardly know or meet people who don't like food. I hardly know. Hardly जो word है, इसको हम तब use करते हैं जब यानी किसी काम का उसके यानी जो नाजी होते हैं यानी impossible जो हो. यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नामुमकिन है ऐसे लोगों को मिलना who don't like food. यानी या मैं उनको नहीं जानता, मेरे लिए नामुमकिन है. I hardly know, यानी मैं बमुश्किल ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत कम ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऐसे हों. In fact, the idea of trying different kinds of food from different cultures and countries, यानी idea जो different kinds of food को जो है वो check करना, different cultures से हो, जो different countries की हो, जो आपके यहाँ popular नहीं है, ये idea has become so popular among some people. ये बहुत ही पॉपुलर बन चुका है अमंग सम पीपल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. ये वाकई सच है. इंटरनेट पे अब हम देखते हैं बहुत ज्यादा, यानी फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स हैं, ऐसे व्लॉगिंग है, यानी उसमें डिफरेंट, यानी उसमें ये दिखाया जाता है, यानी व्लॉगिंग में वो ये दिखाते हैं कि डिफरेंट कल्चर्स की, डिफरेंट कंट्रीज में किस तरह की स्ट्रीट फूड्स हैं या उनके जो कल्चरल फूड्स हैं वो कैसी हैं. सो हमें अपने कल्चर के अलावा दूसरी जो कल्चरल फूड्स हैं हम उनको अगर देखें, चाइनीज फूड को देखें, इवन अगर हम देखते हैं इंडियन फूड्स को भी देखते हैं, वो तो मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट डिवेलप होता है डिफरेंट टाइप का, कि हम इसको ट्राई करें या ये खाने में कैसा है या एक नई चीज है. सो इट्स बिकमिंग सो पॉपुलर. व्हाट डज इट मीन बाय पॉपुलर? इसका सिनोनिम क्या होगा? पॉपुलर मीन्स फेमस. यस, फेमस. ठीक है, फेमस या बहुत ही ज्यादा यू कैन से एडमायरिंग. यस, वेल नोन भी हम कह सकते हैं. अमंग सम पीपल, अब अमंग जो वर्ड है इसको हम यानी मिस्टेक नहीं करनी, कंफ्यूज नहीं करना बिटवीन के साथ. अमंग सम पीपल, बहुत से लोगों में, राइट? अराउंड द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड. That they don't mind spending a lot of their time. यहाँ तक कि they don't mind spending their time, कि वो अपना वक्त spend करना इसको बुरा नहीं समझते, and money to learn about them, इसके बारे में जानने के लिए. अच्छा जी, don't mind, ये phrase तब हम use करते हैं अपने लिए या किसी के लिए when one is not feeling bad about something. जब आपको कोई चीज बुरी नहीं लगती या किसी को नहीं लगती तो हम उसे कहते हैं don't mind it. और इसको देखिएगा, डोंट माइंड इट, आई डोंट माइंड गोइंग देयर. ठीक है, या तो डायरेक्ट हम उस चीज का नाम लिख देते हैं, यानी उस जो एक्शन है जिसका जिक्र हमने करना है उसकी तरफ इशारा कर देते हैं. या अगर आपने वर्ब बनाना है तो उसकी आई एन जी फॉर्म लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है डोंट माइंड स्पेंडिंग देयर टाइम, वो अपना टाइम स्पेंड करना जो है इसको बुरा नहीं समझते. या डोंट माइंड इट, यानी ये जो एक्शन हुआ है, जो वाक्य हुआ, इसको बुरा मत मनाओ, इसका इसके बारे में बुरा मत फील करो. ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी. यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करें आप. हीरा, जी मैम, देयर इज नो डाउट दैट ऑनलाइन सोर्सेस इज एसेंशियल फॉर एवरीवन नाउ आडेज. देयर इज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ऑनलाइन सोर्सेस हैं वो जरूरी है हर एक के लिए nowadays, आजकल. A vast amount of information, बहुत ज्यादा मिकदार में इंफॉर्मेशन है, is instantly, फौरी तौर पर अपडेटेड, हम अपडेट कर देते हैं एवरी सेकेंड, हर सेकेंड के बाद, टू मीट आवर नीड, हमारी जरूरियात को पूरा करने के लिए. जी यहाँ देखिएगा, online source is essential for everyone. Essential means necessary.
ठीक है, एक चीज होती है ना जो हमारी नीड होती है, जो नेसेसिटी होती है, लेकिन एसेंशियल तब हम लिखते हैं विच इज मच नीडेड, जो बहुत ही ज्यादा यानी अर्जेंटली रिक्वायर्ड आप कह सकते हैं, उसके नाम लिखे एसेंशियल फॉर एवरीवन नाउडेज। नाउडेज को देखिएगा, इसको हम यू मिला के लिखते हैं, ठीक है, इसका लिखने का तरीका ऐसे ही है, नाउडेज, इसको सेपरेटली नहीं लिखते। और उसके बाद अ वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की एक वसी मिकदार जो है, ज्यादा सी, यू कैन से अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ढेरों ढेर इंफॉर्मेशन जो है, इंस्टेंटली अपडेटेड एवरी सेकेंड, उनको इंस्टेंटली अपडेट किया जाता है। अपडेट मतलब यानी उनको यू कैन से रीन्यू किया जाता है ना, उनको दोबारा से जो है यू कैन से इम्प्रूव किया जाता है। और इंस्टेंटली मीन्स एब्रप्टली, हर लम्हा, फौरी तौर पे, टू मीट आवर नीड्स, जरूरियात को पूरा करना। मीट का एक मतलब भी होता है पूरा उतरना, मीट आवर एक्सपेक्टेशंस, किसी के तवक्कुआत पे पूरा उतरना, हमारे तवक्कुआत पर। सो मीट द नीड्स, जरूरतों को पूरा करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, यहाँ से सीधा आप रीडिंग करें। For me in particular, I would like to check the website carlfood.com almost every day. मेरे लिए खास तौर पर मैं ये जरूर पसंद करती हूँ कि उस वेबसाइट को मैं विजिट करूँ जिसका नाम food.com है हर रोज। What I love about the website is a wide variety of food stories. Food stores is introduced in detail. मुझे जो इस वेबसाइट के बारे में सबसे ज़्यादा बात पसंद है वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में फूड स्टोर के बारे में बताया जाता है तफसील के साथ, इंक्लूडिंग द प्राइस, उसकी प्राइस के बारे में, द फूड अवेलेबल, द पार्किंग एरिया एंड द सर्विसेज एंड द सर्विस ऑफर, और जो वहाँ पे खुराक अवेलेबल है उसके लिए, और पार्किंग एरियाज, और वो जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ओके, ये देखिएगा, फॉर मी इन पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर फॉर मी, आप इसको यूं भी जैसे हम बात करते हुए कहते हैं ना, खास तौर पे मेरे लिए, स्पेशली फॉर मी, मेरे लिए तो खास तौर पर ये बात ऐसी है, या अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये चीज ठीक लगती है। सो इसके लिए हम ये अल्टरनेटिव जो फ्रेज है हम ये भी यूज कर सकते हैं, इन पर्टिकुलर फॉर मी, यानी खसूसन मेरे लिए, आई वुड लाइक टू चेक द वेबसाइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है, वेबसाइट इज अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड, वाइड वैरायटी मींस क्या होगा इसका सिनोनिम, वाइड मींस लार्ज, ह्यूज, लार्ज, और वैरायटी, वेरिएशंस, बिल्कुल सही, वेरिएशन भी जो है ये वैरायटी से ही निकला है, वैरायटी मींस यू कैन से काइंड्स, अ लॉट ऑफ काइंड्स ऑफ फूड। ओके, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट है देखने वाला, ओके, यानी उनकी जो डिटेल्स हैं, द प्राइस, द फूड, द पार्किंग एरिया, द सर्विस, देखिए इन सब के साथ द द आ रहा है, यानी फूड स्टोर्स की ये चीजें जो है, यानी उनकी मखसूस चीजें है ना, ये मखसूस चीजों की बात की जा रही है, सो हम साथ द लगा रहे हैं, द प्राइस, द फूड, द सर्विस, यानी हर स्टोर की अपनी अपनी जाती, उनके स्पेशल फूड क्या है, उनकी प्राइस क्या है, उनकी सर्विस, उनका पार्किंग एरिया के क्या रूल्स है और कितना है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, sometimes I just get bored of eating the same kind of food. By the way, sometimes I just get bored of eating the same uptaj ka khana khake. So I look for new recipes so that my mother could try them sometimes, prepare some new but delicious meal. So I look for new recipes. इसलिए मैं नई तरकीबें तलाश करती हूँ, so that ताकि मेरी अम्मी
उन्हें ट्राई कर सके टू प्रिपेयर सम न्यू कुछ नया बनाए बट डिलीशियस मील के कुछ नया और मजेदार खाना बना सके। ओके ये फ्रेज देखिएगा बाय द वे हम तब कहते हैं जो बात करते करते हमने अचानक टॉपिक चेंज करना हो, हमें कोई बात याद आ जाए, यानी टॉपिक कोई और चल रहा है और हमारा कोई पॉइंट मिस हो गया, तो हम अपनी बात के दौरान कहते हैं बाय द वे मैं ये बात भूल गया, ये भी ऐसा हुआ था, ये पॉइंट भी था। सो यानी बात के दौरान जो है ये भी सुन लो, ऐसा भी होता है। बाय द वे समटाइम्स आई जस्ट गेट बोर्ड, यानी बाय द वे ऐसा भी होता है जस्ट गेट बोर्ड ऑफ ईटिंग, बोर्ड के साथ ऑफ आएगा, यानी आप जिस चीज से बोर हो जाते हैं उसके साथ आप ऑफ प्रीपोजिशन यूज करेंगे, आई एम बोर्ड ऑफ दिस एंड दैट। और उसके बाद ही भी देखिएगा हम बोर नहीं लिखते, स्टूडेंट से एक मिस्टेक करते हैं, आई एम बोर। जो इंसान बोर्डम फील कर रहा होता है वो बोर्ड होता है, और इसका नाउन है बोर्डम, यानी बोरियत उर्दू में जिसको कहेंगे वो बोर्डम होगा, और बोर्ड इसका एडजेक्टिव है, आप बोर्ड होते हैं बोर नहीं। ओके उसके बाद सम न्यू बट डिलीशियस मील्स, डिलीशियस मीन्स इसका हमने पढ़ा हुआ है सिनोनिम एपेटाइजिंग, यानी ऐसा खाना जिसको सिर्फ देख के आपका जो है यानी भूख जो है वो आपको यानी स्टिमुलेट करना शुरू करते हैं, सो आप उसको कहेंगे डिलीशियस फूड, डिलीशियस मील। ओके जी नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं। एनीवे यहां से आप रीडिंग स्टार्ट करें हीरा। मैम किसे कहा है आपने? आपसे। एनीवे द वेबसाइट कंटेन्स, एनीवे द वेबसाइट कंटेन रेसिपीज एंड फूड आइडियाज प्रीटी मच फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहरहाल जो वेबसाइट है उसके ऊपर रेसिपीज और खाने के बहुत से आइडियाज थे, प्रीटी मच फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा थे, पूरी दुनिया से लिए हुए थे। द कॉन्टेंट ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट का जो कॉन्टेंट था, वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन थी आर सो यूनिक, वो यूनिक थी एंड अपीलिंग और मुझे तरगीब दे रही थी, दैट इट वुड बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि ये नामुमकिन होगा फॉर सम वन, सब किसी के लिए टू लीव के छोड़ दिया जाए द वेबसाइट, इस वेबसाइट को विदाउट हैविंग एन अर्ज टू कुक, बगैर खाना बनाने की विश को पैदा किए देम समवन ऑन देयर ओन, खुद ब खुद। ओके द वेबसाइट कंटेन्स रेसिपीज, कंटेन का मतलब होता है किसी चीज में होना, शामिल होना, रखना, आप ये भी कह सकते हैं द वेबसाइट हैज अ वेबसाइट, यू कैन से इंक्लूड्स। ओके फूड आइडियाज प्रीटी मच, इट कंटेन्स फूड आइडियाज प्रीटी मच, प्रीटी मच मीन्स यू कैन से, जैसे प्रीटी का हमने पहले भी मतलब पढ़ा था, काफी हद तक, काफी ज्यादा, much ज्यादा and pretty much काफी ज्यादा। okay यानी not all but you can say pretty all, यानी करीब करीब सारे, बहुत ज्यादा variety जहाँ हो। उसके बाद unique and appealing, unique means जो चीज ये यानी बहुत ही you can say उसके अंदर individual traits उसके हो, जो दूसरों से अलग हो, दूसरों से मुमताज हो, you can say जो दूसरों से special हो, अलग थलग हो, उसको unique कहते हैं। appealing, appealing means जो बहुत attractive हो, अपनी तरफ जो है यानी आपको जो है you can say attract कर रही हो, fascinate कर रही हो, charming हो, उस चीज को हम कहते हैं appealing, appealing idea, appealing dress, appealing food। So, यहाँ पे हम फ्रेज सीख रहे हैं यूनिक एंड अपीलिंग। ओके विदाउट हैविंग एन अर्ज, बगैर रखे अर्ज, अर्ज मीन्स अ कीन डिजायर, एक चीज होती है ना विश करना, डिजायर करना, लेकिन एक डिजायर होती है बहुत ज्यादा शदीद, जिसको हम क्रेविंग भी कहते हैं, आई एम क्रेविंग फॉर दैट, सो I am having an urge for that. अर्ज भी उस चीज को कहते हैं, वो स्टिमुलेशन, वो वाली मोटिवेशन, वो वाली ख्वाहिश, वो वाली डिजायर जो शदीद हो। To cook them sometimes on their own,
ऑन देयर ओन का मतलब होता है अपने बलबूते पर, खुद से अकेले कुछ करना, ठीक है, बाय देयर ओन. ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. सिद्रा, यहाँ से आप रीडिंग करेंगे. Yes, besides the images of different food dishes. Besides the images of different food dishes on the website are simply outstanding. Besides, here besides mean additionally. Yani mazid ye ke iske ilawa ye bhi ke jo images hai different food dishes ki is website par simply outstanding. They are just excellent. They are outstanding means they are excellent. They are marvelous. In fact, asal mein just by looking at these pictures, sirf un pictures ko dekhna hi on this website, one would automatically feel the urge. Kisi bhi bande ko jab yahan one aa jata hai na, to iska matlab hota hai koi bhi jo ye kaam karne wala hai, wo automatically kya feel karta hai, khud ba khud an urge to go into a kitchen. Yani uska dil chahta hai, uske andar ye stimulation paida hoti hai ki wo kitchen mein jaye. Even if he or she never liked cooking in the past, yahan tak ki agar unko cooking pasand nahi bhi rahi, to in is website par yani jaane se uske andar ye urge paida hoti hai. Just by looking at these pictures, look ke sath hum at preposition use karte hain. Look at me, look at her, look at this. So looking at these pictures, you know, pictures ki taraf gaur se dekhna, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की नीयत से किसी चीज को देखना हम कहते हैं लुक एट. नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. एनीवे, ताहम आई फाइंड दिस वेबसाइट यूजफुल मेनली बिकॉज इट अलाउज मी टू चेंज माई टेस्ट इन फूड्स, क्योंकि खास तौर पर इसलिए कि ये मेरे फूड के जो टेस्ट है उसको चेंज कर देता है विदाउट रनिंग टू एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट. यानी जो सिर्फ इस सूरत में मुमकिन था कि मैं एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट का विजिट करूं, वहां जाके फूड वैरायटी देखूं, लेकिन वहां जाए बगैर भी इस वेबसाइट से ये काम मुमकिन है. इट अलाउज मी, इट लेट मी डू दैट, इट अलाउज मी, यानी इसके इसकी वजह से ये मुमकिन है मेरे लिए ये काम करना. सो हम कहते हैं इट अलाउज मी. मेनली मीन्स मोस्टली, ज्यादातर या बुनियादी तौर पर, बेसिकली. बिसाइड्स, इसके अलावा इट आल्सो अलाउज मी, इट आल्सो हेल्प्स मी एंड माय फैमिली टू सरप्राइज आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सॉरी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, कि हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जो है सरप्राइज, यानी उनको जो है वी कैन मेक देम हैप्पी. ठीक है, यहाँ पे सरप्राइज इस सेंस में आ रहा है, उनको जो है यानी शॉक कर देना, उनको कुछ नया दिखाना. By serving them some unique dishes, उनको हम कुछ unique dishes जो हैं, कुछ special dishes serve करने से हम उन्हें we make them happy, we make them shocked, we make them surprise. Okay, next paragraph है, यहाँ से ही आप reading करें. What is more? Yes, start करें reading. What is more? जी जी मैम. What is more, क्या ज्यादा है? The website provides a delivery service. Website जो है वो delivery services भी provide करती है, घर तक भी पहुंचाती है. विच इज अ ह्यूज बेनिफिट फ्रॉम दोस, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा है. हु आर लिविंग टू फार अवे, जो दूर रहते हैं फ्रॉम द स्टोर से. ओके, व्हाट्स मोर, यहाँ पे हम इसको क्या के मीनिंग में नहीं लेंगे. ये फ्रेज हम तब यूज करते हैं जब हम कोई बात कह रहे हो और हमने मजीद कुछ सरप्राइजिंग और कुछ अच्छा, कोई नई बात दूसरे को बतानी हो, तो हम कहते हैं व्हाट्स मोर, यानी मजीद पता है क्या, या मजीद एक अच्छी बात थी.
और एक पॉइंट ये भी है, व्हाट्स मोर, मजीद ये है, यानी व्हाट का एक मीनिंग ये भी आता है ना, जे के जो के. सो जो एक अच्छा पॉइंट है वो ये है कि द वेबसाइट प्रोवाइड्स अ डिलीवरी सर्विस व्हिच इज अ ह्यूज बेनिफिट व्हिच इज अ रियल यू कैन से अ ग्रेट बेनिफिट. बेनिफिट की जगह हम यहाँ पर सिनोनिम लगा सकते हैं सर्विस. सर्विस तो पीछे भी आ गया है. यू कैन से अ ग्रेट, यू कैन से हेल्प, हेल्पिंग पॉइंट, अ ग्रेट यू कैन से रिवॉर्ड फॉर अस इज दैट रिवॉर्ड फॉर दोज हु आर लिविंग टू फार अवे. टू फार अवे यानी एट अ डिस्टेंस, यानी जो डिस्टेंटली रहते हैं, जो फासले पर रहते हैं, उनके लिए ये एक ब्लेसिंग है, अ ह्यूज ब्लेसिंग, अ ह्यूज बेनिफिट. फॉर दोज रीजंस लिस्टेड, यानी इन रीजंस की बिना पर जो ऊपर बताई गई हैं, लिस्टेड, लिस्ट मींस यानी जिनके ऊपर जो तरतीब से वन बाय वन जो आपको बताई गई हैं, जिनको नरेट किया गया है, जिनको ऊपर बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है. food.com is definitely one of the websites, yani ye wali jo website hai ye definitely meri ek aisi websites mein se hai I would love to visit daily, jinko yani visit karna and websites ko check karna mujhe acha lagta hai. definitely means for sure, jaise hum kehte hain na certainly, yakeeni taur par, yani 100% I'm sure about it, so uske liye hum kehte hain definitely. ये एक ऐसी वेबसाइट है जो मुझे आई वुड लव टू विजिट डेली.